इस दुनिया में हजारों लाखों लोग अपनी मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए काले जादू का सहारा लेते हैं। ये संजय कुमार की सच्ची कहानी है। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं लुधियाना शहर से हूँ। पहले मैं तांत्रिक झाव सुखा कर जाया करता था, तंत्र मंत्र विद्या हासिल करता था। अपनी मुश्किलें और निराशा को दूर करने के लिए एक तांत्रिक से काला जादू सीखने लगा। खीजे हस्त बोलो ताला खोलो रास्त, बोलो ताला खोलो रास्त। खीजे हस्त खीजे मस्त बोलो ताला खोलो रास्त, बोलो ताला खोलो रास्त। खीजे हस्त खीजे मस्त बोलो ताला खोलो रास्त, बोलो ताला खोलो रास्त। खीजे हस्त बोलो ताला खोलो रास्त, बोलो ताला खोलो रास्त, बोलो ताला खोलो रास्त। जय महाकाल, जय महाकाल। दुष्ट आत्माएं संजय के शरीर में कब्जा करने लगी। बोलो ताला खोलो मस्त, बोलो ताला खोलो रास्त। खीजे हस्त खीजे मस्त, खीजे हस्त खीजे मस्त। संजय ने काला जादू सीखा और उसे घर पर भी करने लगा। वो घर में भी किया करता था, लेकिन हमें घर में वहाँ भी शांति हम ना मिली, इसके लिए काम स्थान कमरा खोजा, वहाँ भी करते थे, लेकिन हमें उसे कोई हासिल नहीं। संजय की मुश्किलों का हल ना हुआ, बल्कि ये और भी खराब हो गई। वह बहुत बीमार पड़ गया अपने पेट के दर्द के कारण। एक दिन रास्ते से जा रहा था, एक भाई मिला। उस समय पेट में मुझे बहुत दर्द हो रहा था और दर्द के मारे काफ़ी कंट्रोल भी नहीं हो रहा था। उस भाई को सारी बातें बताई, भाई ने बोला, भाई मैं प्रभु यीशु के मानता हूँ और प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना की जाएगी तो वाकई आप चंगे हो जाएंगे। और वो अपने घर ले गया और उन्होंने प्रार्थना की। दुआ करता हूँ मैं आपके लिए। हालेलुया खुदावंद, खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। खुदा मैं भाई के लिए दुआ मांगता हूँ, भाई के जितनी पेट में दर्द वाली गंदी आत्मा और वो अपने पेट के गंभीर दर्द से ठीक हो गया। अगले दिन संजय चर्च गया और दुआ करनी शुरू की। और उसने महसूस किया कि सारी दुष्ट आत्माएं उसके शरीर को छोड़कर चली गई हैं और फिर वो कभी वापस नहीं आई। उन्होंने दुआ प्रार्थना की, वाकई मेरे पेट दर्द गायब हो गया और मैं ठीक हो गया। अब वचन के अनुसार वाकई मुझे काफी आराम हुआ, मेरा जीवन भी बदल गया। मसीही बनने के बाद संजय ने अपने घर से काले जादू की सभी सामग्री को बाहर निकाल दिया। और धीरे धीरे मैंने चर्च जाना शुरू किया, अब बाइबल वचन पढ़ना शुरू कर दिया। यीशु मसीह के द्वारा खुदावन के करीब आ गया और पवित्र वचन बाइबल पढ़ने लगा। आज मैं बहुत खुश हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया। अब यहाँ पर जितने बैठे हैं, चाहे भाई बहन या माँ बाप कोई बैठे हो, पूछ रहे हो, सबको मैं यही कहना चाहूँगा, आप भी प्रभु में आ जाइए और प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनिए, उसको वचन ग्रहण किए, आपका भी जीवन बदल जाए। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर न फिरना और ऐसों को खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं।